Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. आज मैं बनाने जा रही हूँ पेपर कबाब। ये जो है गोश्त, ये हम मैग्नेट करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखा था। ये हम मसाला दिया इसमें, जो कबाब का गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर और हरा मिर्चा का पाउडर, ये सब ऐड करके हम मैग्नेट करके 2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रिज में रख दिया था। मस्टर्ड ऑयल भी दिया था। अभी हमें निकाल लिया, देखिए गोश्त का कलर भी कितनी अच्छी आई है। अभी हम इसको जो एल्युमिनियम पेपर है उसमें, वो पेपर को हम पीस पीस कर लेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मस्टर्ड ऑयल देंगे और दो तीन पीस करके गोश्त दे देंगे। हम उसको अच्छे से मोड़ लेंगे। देखिए मेरे गोश्त की कलर कितनी अच्छी आई है। 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखा था। अभी हम एक थाल में सिल्वर पेपर ले लिया, मस्टर्ड ऑयल भी दे दिया, गोश्त भी दे दिया। अभी हम इसको टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ेंगे। देखिए बहुत ही पतला है, ये जो सिल्वर पेपर है बहुत ही पतला है। हम इसको अभी अच्छे से मोड़ लेंगे। अच्छे से मोड़ना है ताकि कहीं से मस्टर्ड ऑयल ना निकले, क्योंकि हम इसमें हल्का हल्का मस्टर्ड ऑयल भी दे दिया। देखिए कितने अच्छे से मोड़ा जाता है इसको, कहीं से तेल निकलता नहीं। देखिए हम ऐसे करके सब गोश्त पैक कर लेंगे। यह भी हम मस्टर्ड ऑयल दे दिया, गोश्त दे दिया, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से मोड़ लेंगे हम, ताकि कहीं से तेल ना निकले। देखिए सब हो गया, हमारे जो गोश्त है वो पैकिंग सब हो गया। ये एकदम आखिर वाला है, देखिए ऐसे ऐसे मोड़ लेना आप लोग भी। अभी हम इसको चूल्हे में देंगे। चूल्हे में देखिए, चूल्हे में दे दिया, इसको बहुत अच्छे से जलाएंगे, घुमा घुमा के जलाएंगे ताकि कोई पैक बचा ना रहे, क्योंकि इसमें सब गोश्त भी कच्चा है ना, अच्छे तरीके से जलाना है। घुमा घुमा के मैंने जलाया इसको, हो गया मेरी। देखिए एक हम खोल के दिखाती हूँ, गरम भी है, गरम है। देखिए देखिए कितना अच्छा हो गया, एकदम सॉफ्ट है। देख के हमारे दिल। चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर।